दोस्तों ट्रेन में आपने सफ़र तो किया ही होगा, फिर वो डीजल से चलने वाली ट्रेन हो या फिर इलेक्ट्रिक से चलने वाली, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल सर्विस जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है वो एक ट्रेन ही है। दोस्तों जो ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसके ऊपर ओएचई वायर लगा हुआ रहता है जो कि पूरे रूट में लगा हुआ रहता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओएचई वायर में जो करंट होता है बहुत ही हाई वोल्टेज करंट होता है और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें 25,000 वोल्ट का करंट होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब ये इतने हाई वोल्टेज वाला वायर अगर टूट कर ट्रेन की छत पर गिर जाए? क्या वायर टूटने के कारण ट्रेन में बैठे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी? क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे अभी अभी दबा दीजिए और अपना एक प्यारा सा लाइक हमें दे दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए और बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करिए। उसके कारण आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों जो ट्रेन इलेक्ट्रिक करंट पर चलती है उसका एक पेंटागन जो इंजन के ऊपर लगा रहता है वो ओएचई वायर से कनेक्टेड रहता है और ट्रेन में करंट सप्लाई करता है। दोस्तों अगर आपको ये जानना होगा कि क्या होगा अगर ये वायर टूटकर ट्रेन पर गिर जाए तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे वर्क करता है ये जानना पड़ेगा। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट होने के लिए एक पॉजिटिव और निगेटिव पोल की जरूरत होती है और ऐसे ही ट्रेन के इंजन में रहता है जहाँ पर ट्रेन के पेंटागन यानी ओएचई वायर एक पॉजिटिव पोल और ग्राउंड में जो ट्रेन के रूट होते हैं जो व्हील से कनेक्टेड होते हैं वहाँ अर्थिंग लगा हुआ रहता है जहाँ से ट्रेन के इंजन को निगेटिव पोल मिलता है और उसी दोनों पोल का कनेक्शन कम्प्लीट होने से ट्रेन चलती है। दोस्तों अब हम पॉइंट पर आते हैं कि क्या होगा अगर ऊपर का ओएचई वायर टूट जाए और ट्रेन के छत पर गिर जाए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ओएचई वायर टूटने पर करंट डायरेक्ट ट्रेन के छत पर आ जाएगा। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले जगह से ही फास्ट फ्लो होता है, तो ये वायर टूटने के बाद करंट ट्रेन की छत से ट्रेन की बॉडी पर आ जाएगा और फिर नीचे आकर रेलवे के रूट से व्हील के द्वारा अर्थिंग द्वारा होकर निकल जाएगा और इसी बीच शॉर्ट सर्किट होकर ब्रेकर के पास से ट्रिप हो जाएगा और जो भी बचा हुआ करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा और लोगों को जो ट्रेन में बैठे हुए हैं उन्हें तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ट्रेन के ऊपर कोई वायर भी टूटा पड़ा है। अब आप बोलेंगे कि करंट ट्रेन की बॉडी में से ही क्यों फ्लो होगा, इंसानों की बॉडी में से क्यों नहीं फ्लो होगा? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है, तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ट्रेन की बॉडी से ज़्यादा है उसके कारण करंट ट्रेन की बॉडी से फ्लो होगा और ट्रेन में बैठे पैसेंजर को कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि समझो आप अगर ट्रेन के ऊपर चढ़कर ओएचई वायर को छू लेंगे तो उस टाइम आपकी मौत पक्की है क्योंकि करंट उस टाइम डायरेक्ट आपके बॉडी में से फ्लो होगा। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या होगा जब ओएचई वायर टूटकर ट्रेन के ऊपर गिर जाए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जो राउंड शेप में हमारा जो चैनल का लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बाजू में जो दो वीडियो दिख रहे हैं इसको भी आप वॉच कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।